क्वांटिको में शामिल होने पर प्रियंका चोपड़ा भारत में अपनी सफलता की ऊंचाई पर थी। कुछ महीने पहले उन्होंने मैरी कॉम में अभिनय किया और अगले महीने दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी लेकर आएंगे। कई लोगों ने प्रियंका के 2016 के हॉलीवुड के लिए मुंबई छोड़ने के फैसले का विरोध किया। कई भारतीय अभिनेताओं ने कोशिश की और असफल रहे, प्रियंका नहीं। उन्होंने हॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है और भारत की पहली विश्वव्यापी हस्ती है। प्रियंका सोमवार को 40 साल की हो गई। इससे एक भारतीय नायिका का करियर दूसरे युग में समाप्त हो जाता। प्रियंका के आगामी प्रयासों से पता चलता है कि वो अभी शुरुआत कर रही है। वो अमेज़न प्राइम वीडियो के सिटाडेल और इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी में अभिनय करती हैं। ये उसके कुछ अन्य लोगों की तरह छोटी भूमिकाएं नहीं हैं, कोई छोटा प्रोडक्शंस नहीं। प्रियंका ने 7 साल में क्या किया, इसे समझने के लिए हमें पहले भारतीय कलाकारों के लिए हॉलीवुड परिदृश्य की जांच करनी चाहिए। प्रियंका के अलावा पश्चिम में भारतीय कलाकार दो श्रेणियों में आते हैं, ऐसे सितारे जिन्होंने कभी कभार कैमियो किया या लीड में टूटने का प्रयास किया, और चरित्र अभिनेता जिन्हें नियमित रूप से देखा गया लेकिन शायद ही कभी लीड में। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और धनुष पूर्व द ग्रे मैन के उदाहरण हैं। ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और कबीर बेदी इसके अच्छे उदाहरण हैं। ऐश्वर्या राय और इरफान खान ने हॉलीवुड में व्यापक सफलता हासिल की। प्रियंका ने दोनों को हराया। ब्राइड एंड प्रेजुडिस ने ऐश्वर्या के हॉलीवुड करियर की शुरुआत की, जबकि पिंक पैंथर 2 उनका सबसे बड़ा हिस्सा था। बुरा नहीं है, लेकिन कुछ खास नहीं है। प्रियंका पहले ही अपने सीनियर से आगे निकल चुकी हैं। ऐश्वर्या कभी भी द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस या सिटाडेल में नहीं दिखाई दी। वो क्वांटिको का चेहरा नहीं थी। सबसे पहले इरफान ने प्रियंका से ज्यादा किया। वो जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन और लाइफ ऑफ पाई में थे। सिटाडेल प्रियंका को इरफान के वेस्ट करियर से आगे रखता है। सिटाडेल एक अमेज़न प्राइम वीडियो विज्ञान फाई कार्यक्रम है जिसका प्रति एपिसोड बजट गेम ऑफ थ्रोन से बड़ा है। रिचर्ड मडेन ने प्रियंका के साथ रॉब स्टॉक की भूमिका निभाई है। वो इसका विश्वव्यापी चेहरा है। किसी भी भारतीय अभिनेता ने इतने बड़े प्रोजेक्ट में कभी अभिनय नहीं किया है। प्रसिद्धि और प्रयास के मामले में वो पहली भारतीय वैश्विक हस्ती है। प्रियंका के सफर की तारीफ होनी चाहिए। हॉलीवुड चरित्र कलाकारों का पक्षधर है। वे बड़ी फिल्मों में समान भूमिकाएं निभाते हैं। सितारे अलग हैं। भारतीय सितारे भारत पर राज करते हुए पश्चिमी कलाकारों के सामने दूसरी भूमिका नहीं निभाना चाहते। प्रियंका के पास ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिससे उन्हें आज वो मुकाम हासिल करने में मदद मिली, जब उन्हें दूसरी फिडल नहीं बजानी पड़ती और 10 मिनट के हिस्से के बावजूद एक स्टार के रूप में बिल किया जाता है। प्रियंका चोपड़ा बेचती हैं। कई उसके सामने पार कर चुके थे। दिलीप कुमार ने अरब के लॉरेंस में एक भूमिका को ठुकरा दिया जिसने उमर शरीफ को प्रसिद्ध कर दिया। अमिताभ बच्चन का मुआवजा कथित तौर पर पैसेज टू इंडिया के लिए बहुत अधिक था। अजय देवगन और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में द एक्सपेंडेबल्स और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में सहायक भूमिकाओं को अस्वीकार कर दिया। इन कलाकारों ने इसे सुरक्षित रूप से निभाया। जब उनके पास हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म आई तो वे बॉलीवुड में ही टिके रहे। प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत एक नेटवर्क टीवी शो और बाद में बेवॉच में एक विलेन के रूप में की थी। जोखिम उठाना उन्हें अन्य भारतीय कलाकारों से अलग करता है। कई लोग कहते हैं कि उसने छोड़ दिया क्योंकि घर पर जिम्मेदारियां खत्म हो गईं। प्रियंका जीत गईं क्योंकि उन्होंने कोशिश की। कई भारतीय सितारे अपनी सुरक्षा कोकून छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यह उनकी अविश्वसनीय यात्रा का सम्मान करने का समय है।